हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में निकाला गया है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप कोई भी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी सद्दानंद कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अलीपुर दिल्ली में। तो यहाँ पे जो है, इस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को निकाला गया है। तो देखिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट यहाँ मेंशन कर रखे हैं, डिपार्टमेंट बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, तो नॉर्मली जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट्स में जो है वैकेंसी को निकाला गया है। तो देखिए, अगर बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी में तो टोटल वैकेंसी वो 8 है, वही जिसमें की कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। तो एससी, एसटी, ओबीसी, तो हर कैटेगरी में यहाँ पे आपको जो वैकेंसी वो साफ साफ दिखाई देगी। ऐसे केमिस्ट्री में भी देखिए दे रखी है, कॉमर्स में भी दे रखी है, कंप्यूटर साइंस में। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उस सब्जेक्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। इसके बाद हम देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन। तो देखिए, आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ आपको जो है नेट क्लियर होना चाहिए यूजीसी और सीएसआईआर, ठीक है। तो आपके पास एमएससी होनी चाहिए विद 55% मार्क, और साथ ही साथ आपको नेट भी, चाहे वो सीएसआई नेट हो या यूजीसी नेट हो, वो सब्जेक्ट की बेस पे होगा, तो वो आपका क्लियर होना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है, द डिटेल रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्क्रीनिंग एलिट एंड इंडिकेटिव परफॉर्मर अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट। तो आप यहाँ पे जाके एडवर्टाइजमेंट में जो है ये भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है वो एप्लीकेशन फी है। तो देखिए, आपको एप्लीकेशन फी जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी 500 फॉर अनरिजर्व ओबीसी और डीडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। वहीं अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप वुमेन हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी है। और साथ ही साथ अगर आपने एक बार फी पे कर दी, तो उसे किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको जो है वो रिफंड नहीं की जाएगी, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट देख लीजिए कि कौन सब्जेक्ट के आप एलिजिबल है, उसके बाद ही जो है एप्लीकेशन फी करिए, पे करिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन फी पे करने के साथ आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करना होगा, तभी जो आपका फॉर्म है वो फिलअप माना जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप नीचे आइए, नीचे आके देख लेते कुछ और चीजें। जैसे कि अगर आप रिजर्वेशन में, जैसे एस सी, एस टी, ईडब्ल्यू से, ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट भी भेजना होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप अपने टेस्टिमोनियल्स भी भेज सकते हैं, या नेट गेट का सर्टिफिकेट भी, अगर आपने नेट या गेट क्वालिफाई किया है, आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो वो भी जो है आप जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने इस पे मेंशन किया है, आपको अपना ओबीसी या एससी एसटी का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे। तो आप इसके लिए पहले से अपना ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो तैयार रखिए। इसके साथ ही साथ जो है, आपको इंटरव्यू शुड रिपोर्ट अलॉन्ग विद ऑल द टेस्टिमोनियल, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो यहाँ पे आपको जितने भी टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जाना है, और साथ ही साथ आपको वैलिड फोटो आईडी भी लेके जानी, चाहे वो आधार कार्ड ले लीजिए, चाहे वोटर आईडी कार्ड, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल भी आपको यहाँ पे एक फोटो कॉपी भी लेनी है, अपने सारे सर्टिफिकेट या टेस्टिमोनियल की भी एक फोटो कॉपी आप जरूर रख लें, और साथ ही साथ जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आप लेके जाएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, नो टीएडीए, टीएडीए कुछ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, एलिजिबिलिटी यहाँ पे दे रखी, तो आप ये एलिजिबिलिटी जो है बहुत ही अच्छे से पढ़िए, ताकि आपकी जो है आप सही सब्जेक्ट में अप्लाई करें। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो देखिए हम यहाँ पे ले लेते कोई एक एग्जाम्पल। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, इन्होंने दे रखा है फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, साइंस यानी सारे सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए, इन्होंने एलिजिबिलिटी ए और बी दो कर रखी है। तो अगर आपने मास्टर डिग्री आपके पास है 55% मार्क्स के साथ ही साथ है, और आपने अगर उसी सब्जेक्ट में नेट ये क्वालिफाई किया है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी चीज, अगर आपने पीएचडी भी की है किसी यूनिवर्सिटी से, सपोज अगर बाहर से आप पीएचडी करके आए, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होनी चाहिए वो टॉप 500 होनी चाहिए। और जो रैंकिंग यहाँ पे काम आएगी वो आएगी क्यूएस रैंकिंग, या आपका टीएचई रैंकिंग, या एआरडब्ल्यूयू रैंकिंग। तो इन रैंकिंग में आपकी यूनिवर्सिटी 500, टॉप 500 में आनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा एप्लीकेशन के लिए, ठीक है।
तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हम देख लेते हैं नीचे लाके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ और क्राइटेरिया भी रख रखा है कि आपको किस बेस पे जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएशन के कुछ मार्क्स रखे हैं, जो 80% मार्क्स और या उससे ज्यादा आपके मार्क्स है तो आपको 21 स्कोर आपका रहेगा, वहीं 60% टू लेस देन 80% है तो आपको यहाँ पे 19 रहेगा। तो ऐसे करके इन्होंने जो है ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, फिर एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए 25 मार्क्स आपको मिलेगा, स्कोर मिलेगा आपको नेट विद जेआरएफ के लिए 10, अगर आपके पास खाली नेट है तो आपको 8, और नेट के जेआरएफ है तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स, रिसर्च पब्लिकेशन 6 मार्क्स, यानी कि आपको 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन। आपके पास मैक्सिमम 3 जो पब्लिकेशन अगर रहे तो मैक्सिमम 3 पब्लिकेशन की यहाँ पे आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। टीचिंग या आपने पोस्ट डॉक्टोरल किया है तो उसका 10 मार्क्स है। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे अगर आपको कोई अवार्ड मिला तो 3 मार्क्स है। स्टेट लेवल पे कोई अवार्ड मिला तो 2 मार्क्स। इसके साथ एमफिल और पीएचडी अगर आपने किया है तो आपको 55 मार्क्स मिलेगा। जेआरएफ या नेट है तो 10 मार्क्स, अवार्ड कैटेगरी है तो आपको 3 मार्क्स। तो ऐसे करके आपका पूरा एकेडमिक एपीआई इंडेक्स बनेगा और उसकी बेस पे ही आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से एडवर्टाइजमेंट को भरिए और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा। तो दूसरा जो वैकेंसी है वो है लेडी डोक कॉलेज बॉटनी जूलॉजी में निकाली गई वैकेंसी है। तो इसमें देखिए इंग्लिश को, इकोनॉमिक, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी इन सब्जेक्ट्स में वैकेंसी को निकाला गया है। तो क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया एज पर यूजीसी नॉर्म्स, और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.ladydogcollege.edu.in पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। और साथ ही साथ आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है 500 रुपीज का, और आपको जो हार्ड कॉपी अपने एप्लीकेशन की अलॉन्ग विद दैट ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट और जो फोटो कॉपीज ऑफ ऑल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जैसे कि आपकी टेस्टिमोनियल्स या नेट या गेट का सर्टिफिकेट या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इन सबको आपको भेजना है टू द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी लेडी डॉग कॉलेज मदुरई, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है वो 28 सितंबर यहाँ पे रखा गया है। तो आप इस, अगर आप इन सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो तो इन सब्जेक्ट के लिए भी जो है आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है वो निकला है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू। तो ये जम्मू में प्रेजेंट है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर भी देखिए टेम्परेरी पोजिशन यहाँ पे निकाली गई कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सब्जेक्ट वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, और जो पोजिशन है वो 2 है। एज लिमिट है शुड नॉट बी लेस देन 20 ईयर, से कम नहीं होना चाहिए और 55 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कंसोलिडेटेड वेजेस यहाँ पे दे रखा है 20,000 पर मंथ फॉर मास्टर एंड 25,000 फॉर पीएचडी, ठीक है। तो अगर आपने पीएचडी की तो आपको 25,000 मिलेगा, अगर आप मास्टर स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे 20,000 मिलेगा पर मंथ आपका यहाँ पे एमोलूमेंट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए आपका पीजी डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में और 55% मार्क्स होना चाहिए। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन वो इन्होंने पीएचडी मांगी है, ठीक है। तो देखिए जो मोड ऑफ इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा। टाइम स्लॉट इंटरव्यू आईडी विल बी प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ द शेड्यूल डेट एंड टाइम थ्रू ईमेल। तो जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको बाय मेल जो है इंटरव्यू के लिए जो है इंटरव्यू आईडी भेजी जाएगी, ठीक है। तो ये जो पोजिशन टोटली कॉन्टेक्ट बेसिस पे, ये परमानेंट पोजिशन नहीं है, कोई भी टीएडी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे पोस्टर ऑर्डर भेजना है 300 रुपीज का इन फेवर ऑफ डीन एफबीएससी एंड एएच पेबल है आरएस पूरा, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट है या टेस्टिमोनियल है वो आपको भेजना होगा। चलिए हम देख लेते हैं एक और नोटिफिकेशन जो कि निकाला है रांची चन्नम्मा यूनिवर्सिटी बेलागवी में। तो ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के लिए जो है डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। तो देखिए जितने सब्जेक्ट हैं बॉटनी, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, तो इसके लिए देखिए रिपोर्टिंग टाइम भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो 22 सितंबर को यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है फिजिक्स बॉटनी के लिए, कंप्यूटर साइंस पॉलिटिकल साइंस 10:30 है, और 23 सितंबर को जर्नलिज्म, हिस्ट्री एंड टूरिज्म, ठीक है। तो इसके साथ ही इन्होंने बोला है कि आप यहाँ पे आप कोई भी फॉर्म कुछ नहीं फिलअप करना है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप जिस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी में, लेकिन वहां जाने के बाद आप जाने के लिए आपको जो है अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या नेट गेट का जो भी सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास टेस्टिमोनियल है वो सब जो है आपको लेके जाना है एज पर शेड्यूल। जैसे अगर आप बॉटनी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, तो आपको रिपोर्टिंग टाइम आपका 9:45 AM रहेगा। अगर आप एक कॉमर्स
कॉमर्स के लिए करना चाहे तो आपका 1:30 पीएम रहेगा, अगर आप जो है जो सोशल वर्क के लिए करना है तो 10:30 एएम 33 सितंबर को, अगर इंग्लिश के लिए कर ले तो 2 पीएम 23 सितंबर को। तो आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।